दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। जीआरपी पुलिस अमृतसर ने रेल यात्रियों के सामान की लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस बारे में बताते हुए जीआरपी पुलिस के इंचार्ज धर्मेंद्र कल्याण ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस पार्टी ने भंडारी पुल के नीचे छापामारी कर लूट की योजना बनाते उक्त गिरोह के 3 सदस्यों को काबू किया। तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से 2 कमानीदार चाकू, 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ अरसे तो सानू काफ़ी शिकायतें मिल रही सी कि जिहड़ियां प्रवासी मजदूर जिहड़ियां गड्डियां दे विच अप डाउन करते हैं उन्हां दे विच इस तरह के चोर गिरोह जिहड़े आ उह उन्हां नाल वारदातां करते आ, चाकू वगैरह दिखा के उन्हां कोलों लुट खोह करते आ। हालांकि लिखती तौर पर कोई कंप्लेंट नहीं किसी ने दिती सी, पर वर्बली सानू इह गल्लां दा पता लगता सी। ते कल दौरान ड्यूटी जदों साडी पुलिस पार्टी स्टेशन ते मौजूद सी तां इक मुखबर की खास इतलाह ते ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਟਾਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਅਮਨ ਮਸੀਹ ਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਚਾਕੂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ।